हाय वो वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ योर सुपर एजुकेटर शुप्रा मिश्रा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे यहाँ बिल्कुल आप थंबनेल पे जो पिक्चर देख रहे हैं वो मेरी ही है और आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने अपने क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ और सी को टॉप किया किस तरीके से मुझे मेरा डिज़ायर्ड स्ट्रीम मुझे मेरा डिज़ायर्ड कॉलेज और देन मेरा प्रोफेशनल प्रोग्राम मिला और आप भी इसे कैसे कर सकते हैं तो आज कुछ हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने इतने सारे एग्जाम्स लिख लिख के सीखी हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पे डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेबल होती है बट मॉडिफिकेशन के साथ में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ ये जानने के लिए कि अब जब हम दिसंबर में आ चुके हैं अब आपका बोर्ड का प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए दिसंबर में मैं क्या कर रही होती या मैं क्या कर रही थी तो वो आज से आ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि अब जिस जिस मोमेंट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस मोमेंट से लेकर लास्ट तक जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते पढ़ाई नहीं छूटनी ये मौसम बहुत ख़राब है इसके अंदर बच्चे बीमार पड़ते हैं इसके अंदर आपको शादियां देखने को मिल रही है इसके अंदर आपकी एनिवर्सरी पार्टीज ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं बट कुछ भी हो जाए अब से लेकर आपके एग्जाम तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है ऐसा इसके लिए है क्योंकि पढ़ाई की एक हैबिट जो है वो आपकी बन जानी चाहिए नहीं तो अगर जो सुस्ती आपने शुरुआत से दिखाई है वो अभी भी आप दिखाते हो तो इट विल बी अ वेस्ट पूरा साल वेस्ट कुछ नहीं हो सकता कोई विड्रॉल नहीं है उसके बाद में कोई नहीं बचा सकता तो अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा है आज से भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हो और एक दिन के लिए भी पढ़ाई नहीं छोड़ते हो तो भी आपका काम हो जाएगा आप अपने एम को अचीव कर सकते हो तो नंबर वन जो अभी हमने सीखा कि अब से लेकर तब तक मेरे को एक हैबिट बिल्ड करनी है मेरे को एक रेगुलरिटी बिल्ड करनी है नंबर टू मेरे को कोशिश करनी है कि मैं ये ध्यान रखूं कि अब दिसंबर में जिस भी पॉइंट पे आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर एग्जाम तक मेरे पास उतना ही टाइम है मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं अभी यहाँ पर बहुत सारे किताबें यू नो रेफर कर लूँ इस दोस्त की टीचर ने उस दोस्त की टीचर ने इसने उसने ये बोला मैं सारी किताबें खरीद लूँ और उन्हें पढ़ने की कोशिश करूँ डी मोटिवेशन होगा इससे आप अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है अगर आप पाँच पाँच सौ एक एक किताब से पढ़ने लगे तो इस जन्म के अंदर आपका पेपर नहीं लगेगा तो कोशिश क्या करनी है कि अब आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने और ज्यादा रिविजन लिमिटेड यूजफुल रिसोर्सेज और ज्यादा रिविजन अब इसका मतलब यह नहीं है कि दस चैप्टर आ रहे हैं मैम अरे मम्मी शिप्रा मैम ने कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज दस में से दो करके जाने मैंने नहीं वो दस के दस करने हैं बट राधर मतलब इंस्टेड ऑफ कि ये वाला रेफर करती हूं रेफरिंग ऑल द बुक्स उन सारे बुक्स को रेफर करके वो मैं जो नोट्स बनाती शायद जून जुलाई में वो करने की बजाय अब यू आर गोइंग टू स्टिक टू वन बुक एक टीचर के नोट्स एक टीचर की गाइडलाइंस क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ट्रायल एंड एरर करके देखें हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दस बुक खोलें और दस बुक खोल के खुद के नोट्स बनाए तो मेक श्योर sure कि आप अपने रिसोर्सेस को कम रखो अपने रिविजन को बढ़ा दो तो आपके रिसोर्सेस कम होने चाहिए रिविजन इनक्रीज कर दीजिए क्योंकि माइंड को अब याद करवाना है माइंड को बताना एग्जाम आ रहा है अब याद करना है ठीक है और राइट तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाली है वो है आपके टाइमिंग्स ठीक है अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे मैम मैं अर्ली बर्ड हूं मैं नाइट आउल हूं ये हूं वो हूँ देखो मेरी बात सुनो आपके बोर्ड एग्जाम्स साढ़े दस बजे से लेकर डेढ़ बजे तक लगते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो यही टाइम रहेगा यही टाइम रहता है तो साढ़े दस बजे से लेकर डेढ़ बजे तक आपके एग्जाम लगते हैं अब जो बच्चे इस ड्योरेशन में इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा मेंटली एक्टिव होते हैं वो बच्चे उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने शायद साल भर भी पढ़ा होगा बेटर स्कोर करते हैं मैं हमेशा कहती हूं कि आपने क्या किया कोई नहीं देखेगा आपकी हार और जीत जो है वो डिसाइड करेगी कि आपका पाथ क्या रहेगा आपने एम अचीव किया या नहीं साल भर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई नहीं देखेगा वो तीन घंटों में आप क्या करके आए वही डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आएंगे उसी से डिसाइड हो जाएंगे आपके नतीजे तो कोशिश कीजिए कि जब भी यू you नो know, जो भी टाइम आप सेलेक्ट कर रहे हैं आप नाइट आउल है आप अर्ली बर्ड है साढ़े दस बजे से लेकर डेढ़ बजे तक का जो आपका पेपर का टाइम होता है है ना मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में यही होता है अगर आपकी कोई और टाइमिंग है तो उसी टाइम का एग्जाम्पल ले लीजिए तो वो जो टाइम है उस टाइम आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहें यह मैं कैसे कर सकती हूँ मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ और कोशिश कर सकती हूँ कि इसमें मैं हॉट्स करूँ मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ जो मेरे को सोचने पर मजबूर करते हैं मैं इस टाइम से पहले इस टाइम के बाद में लर्निंग कर सकती हूँ इस टाइम से पहले बाद में क्लासेस देख सकती हूँ वीडियोस देख सकती हूँ पर इस टाइम पे पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि माइंड को जगाना है इक्कीस कि दिन के अंदर हैबिट्स बनती है लोग कहते हैं तो अगर आप ये 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 जो एक्टिविटी है ये ट्वेंटी डेज भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि साढ़े से डेढ़ के बीच में आपका माइंड जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है उन्हें होते कुछ बच्चे जिनको आप कभी भी सुला लो कभी भी उठा लो आप किसी भी पॉइंट पे देख लो वो बहुत गलत है वो माइंड जो है वो इतना जो इतना डल रह रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है तो कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चन हम उठाएं ऐसी वर्कशीट हम उठा सकते हैं सैम्पल पेपर्स हम उठा सकते हैं ताकि माइंड को उसी दौरान जो है वो ट्रेन किया जा सके तो जब आपने यहाँ पर ये कोशिश कर ली है कि ठीक है मेरे टाइमिंग्स जो हैं वो सेट कर लिए मैंने तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जो बच्चे सोचते हैं मैम नींद आती है सोचती हूँ ब्लैंक हो जाता है ठीक है आ, कोशिश करती हूँ कि वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं पर लिख नहीं पाती हूँ ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इससे सॉल्व हो जाएंगी इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का जो बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं देखो बच्चों क्या होता है हम इस पॉइंट पर अब पहुँच गए हैं जहाँ से हम लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है हमें लगता है यार मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया इतना टाइम वेस्ट करने के बावजूद मेरा तो अभी कुछ नहीं हो सकता अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि क्या तो मैंने पढ़ना है और क्या मैंने प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट पे बोला था आपको लिमिटेड जो है रिसोर्सेज uh, यूज करने हैं रिविजन ज़्यादा करने हैं अभी भी आपको एक और चीज़ पे फोकस करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के साथ साथ जितना आप पढ़ रहे हैं उससे दुगनी प्रैक्टिस क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर हो सकता है सारे चैप्टर आते हो सारे कॉन्सेप्ट आते हो सारे चैप्टर्स सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे वो जो क्वेश्चन बन के आते हैं उनके लिए क्या अप्रोच होती है आप कैसे उसे सॉल्व करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करती है अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जब मैम कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे करूंगा मैंने ये नहीं बोला आप कॉन्सेप्ट मत करो मैं ये बोल रही हूँ कि अब वो टाइम नहीं है अरे पांच बार एनसीआरटी रीड मैंने दस बार एनसीआर रीड अब टाइम ये है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट के जो नोट्स आप जिस भी टीचर के फॉलो कर रहे हो फॉलो किए उन्हें लर्न करने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चन क्वेश्चन इतने ज्यादा करोगे क्वेश्चन के थ्रू जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतना ही ज्यादा माइंड जो है आपके स्टाइल को पिक करने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा जो है आपका माइंड ना यू नो क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करेगा आप रट के बहुत चीज़ें जा सकते हो आपको चीजें बहुत याद हो सकती हैं पर अगर आपका क्वेश्चन नहीं निकला तो कोई नहीं जानता अभी किसी को नहीं पता आपको क्या याद था क्या कर सकते थे किस चीज़ केपेबल ठीक है बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ पर आज की इस वीडियो में एक आखिरी टिप जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है करेक्ट अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच आप हड़बड़ा जाएंगे और अगर आपकी अप्रोच नेगेटिव हो जाएगी आप नेगेटिव हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा अगर आप हड़बड़ा गए आपने सोच लिया अरे यार मेरे से तो नहीं हो रहा आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे आप सोचते रहेंगे आप दुख मनाते रहेंगे आप डिनाइल में जीते रहेंगे नहीं होगा नहीं होगा मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा उसमें जीते रहेंगे और उसके चलते आपका टाइम और जाता रहेगा आप आराम से स्क्रॉलिंग करते रहेंगे इंटरनेट में कुछ भी कुछ भी देखते रहेंगे इन दैट सेट देखते देखते और टाइम चला जाएगा और आखिरी के कुछ दिनों में जितनी आप पढ़ाई करेंगे उससे आपको भी पता है और मुझे भी पता है नतीजा क्या आएगा तो बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आपको खुद को अपने आप को काम डाउन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है जब आप अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं तो आप वेरियस एक्सरसाइज कर सकते हैं आप म्यूज़िक सुन सकते हैं आप कोशिश कर सकते हैं कि इनके लिए आप फ़ोन से दूर रहें हमारे पास और भी बहुत सारे अप्लाइंसेज होते हैं घर के अंदर जिसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। और खास करके आप चाहो तो वॉक पे जा सकते हो मॉम डैड के साथ दो दो मिनट बैठ सकते हो और नहीं तो बैठकर पावर नैप ले सकते हो कुछ भी हो अब जब बहुत ही ज़्यादा थकावट फील कर रहे हो स्क्रॉलिंग से बचिए नेगेटिव अप्रोच से बचिए पॉजिटिव पॉजिटिविटी रखिए कोई बात नहीं अभी शुरू किया है तो भी हो जाए अभी शुरू किया है गलती हो गई मुझसे पर अभी भी हो जाएगा क्योंकि मैं एक अच्छी अप्रोच के साथ में काम करूँ देखो बच्चों क्या होता है जो जिसकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली यू नो चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करता है पढ़ाई करता है एक अच्छी यू you नो know, अंदर से वाइब्स क्रिएट करता है वो उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और उतने ही अच्छे रिजल्ट आते हैं आप अंदर से नर्वस होते रहेंगे घबराते रहेंगे चीज़ों को छोड़ते रहेंगे उस नर्वसनेस में सिली मिस्टेक्स भी होंगी आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और देखना आपको कभी भी नर्वसनेस का फ्रूट अच्छा नहीं मिलेगा वो नर्वसनेस हमेशा नर्वसनेस ही डाके देगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि आप अपनी अप्रोच को एकदम पॉजिटिव रखें आपको जो भी चीज़ मोटिवेट करती है आप उस चीज के साथ में अपने आप को मोटिवेटेड रखें आपने शुरू क्यों किया था वो आप याद रखें और एकदम यू नो अपनी कोशिशों में लगे रहें अपने को अचीव करने की दिस वीडियो जैसे मैंने कहा टिप्स तो बहुत सारी हैं आपके साथ में डिस्कस करने का बहुत आ, मन भी करता है